नमस्ते। आज हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो नेम प्लेट दिखाई दे रही है, ये नेम प्लेट हमने पिछली बार सीखे थे। इस बार हम देखेंगे चैत्रांगण किस तरह से बनाते हैं। अभी चैत्र माह शुरू होगा। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला माह होता है और इस माह की शुरुआत में सृष्टि बहुत ही नया रूप लेने के मूड में रहती है। बहुत ही अच्छी तरह से वो फलने फूलने लगती है और आम का सीज़न हो या फलों का अच्छे अच्छे सीज़न हो, तो वो सारा चैत्र माह से ही शुरू होने जाता है। यहाँ पे गाइडलाइन के लिए मैंने एक ये स्क्रीन प्रिंट लिया हुआ है। ये स्क्रीन प्रिंट बाज़ार में मुझे रेडी मिला था और इसके ऊपर चैत्र माह से रिलेटेड, चैत्र माह में जो हिंदू त्यौहार होते हैं उन त्यौहारों के हिसाब से इस पे सारे शुभ चिन्ह बताए गए हैं। इस स्क्रीन को आंगन में रंगोली के तौर पे सजाया जाता है, या तो अपने घर में जो भगवान का छोटा सा मंदिर हमारा होता है उसके सामने इसे रंगोली के रूप में सजाया जाता है। तो ये स्क्रीन है, इसके ऊपर बस आप रंगोली बिछा दो और फिर थोड़ा सा उसको डैप करो तो अपने आप ये सारे पिक्चर्स जो है ट्रेडिशनल, ये सारे आपके इंस्टेंटली वहाँ पे छप जाते हैं। इसका उपयोग मैं गाइडलाइन के तौर पे सिर्फ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड मैंने रेडी रखा हुआ है। ये बोर्ड जो है इसके लिए मैंने बॉर्डर बना दी है। इस बॉर्डर पे हम कुछ डिज़ाइन करेंगे और इसको चाहो तो आप आंगन में रखो, या तो आप डाइनिंग टेबल पे रखो, या तो आप कहीं पे भी इसको सजा दो। दीवार पे भी आप इसको सजा सकते हो। सबसे पहले हमें बोर्ड पे स्केचिंग करना पड़ेगा। जैसे ये पेंसिल के अलग अलग शेप्स बनेंगे तो बराबर प्रोपोर्शन में ये शेप्स बनने चाहिए। ये कछुआ है, ये मखर है, या मंदिर कहेंगे इसको हम, ये केले है। तो जो जो चीज़ें, जो जो शुभ चिन्ह इसमें दिखाई दिए हैं तो उन्हीं के हिसाब से बराबर प्रोपोर्शन में जगह तय करके यहाँ पे पूरा स्केच करना है। और जितना साइज स्केचिंग में रहेगा बराबर उसी तरह से ये सारे चिन्ह इपॉक्सी कंपाउंड में हमें बनाने पड़ेंगे। ये शुभ चिन्ह जो है वो चैत्र माह में जो त्यौहार आते हैं, खासकर महाराष्ट्रीयन त्यौहार जो होते हैं, उनके हिसाब से ये रंगोली सजाई जाती है। तो यहाँ पे तोरण है आम के पत्तों का, जो हमारे प्रवेश द्वार पे घर के लगता है तोरण, वो तोरण है। गाय बछड़ा है, दिया है, ये रिद्धि सिद्धि है, और उनके साथ में गणेश जी भी है। कमल है, नारियल है, सरस्वती का चिन्ह है, गोपद्म है, हाथी समृद्धि का प्रतीक ये भी है, धनुष्य बाण है, बांसुरी है, ओम स्वस्तिक, गरुड़, अलग अलग तरह की रंगोलियाँ, दिया है, नाग देवता हम जिसको नाग को अपनी सुरक्षा करने वाला एक देवता मानते हैं उनका भी इसमें समावेश किया गया है। सुहागन के सारे आभूषण भी है और विष्णु भगवान के चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म ये भी है। शहनाई और मयूर पंख भी है, तुलसी वृंदावन है, महादेव है, झूला है छोटे बच्चे का, कलश है, गुढ़ी, परशु, त्रिशूल और झंडा, सूरज, चंदा, तारे, सभी का इसमें समावेश है। सबसे पहले हम कोनवर्क में टेक्सचर वाइट में
ये नाजुक सी फूलों पत्ती वाली बॉर्डर पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बॉर्डर वाला काम भी मेरा पूरा हो गया है, और ये जो स्केचिंग मैंने बोला था वो स्केचिंग भी हमने यहाँ पे कर लिया है। स्केचिंग का वैसे कुछ मतलब है नहीं, सिर्फ जो जो शेप जितने प्रपोर्शन में हमें बनाने हैं उसका बस अंदाज़ा इस चीज़ से आ जाएगा। तो ये भी सारा काम मेरा हो गया है, और यहाँ पे अभी ये इपॉक्सी कंपाउंड वाले जो शेप्स हैं वो भी सारे मेरे पूरे हो गए हैं। ये सेपरेटली मैंने बनाए हैं, एक एक करके किस तरह से बनाए हैं वो मैं, जो कोई गिने चुने हैं उनका मैं डेमो दे दूंगी। ये मेरे पास चाइल्ड क्ले है, इस क्ले में कुछ इसमें से जो डिफ़िकल्ट वाले जो है या फिर कोई यूनिक शेप्स जो है, जैसे ये कलश है या फिर ये गऊ है, तो इनको मैं बना के बताऊंगी। और बाकी तो प्ले विद क्ले के सारे एपिसोड्स आप देखते रहते हो तो उससे आप आसानी से बना पाओगे। जैसे ये बहुत ही डेलिकेट है सरस्वती का चिन्ह, इसे भी हम बना के देखेंगे। या फिर ये पंछी दाने चुग रहे हैं, ये वाला भी एक देखेंगे। लेटरिंग भी मैंने बना दिया है। ये तोरण वैसे आसान है क्योंकि ये पत्तियां तो हम बना सकते हैं, और फिर रोल करके ऊपर की जो डंडी है वो भी आसानी से बना सकते हैं। ये केले भी हम बना के देखेंगे किस तरह से बनाए हैं। तो ये सारा मेरा इपॉक्सी कंपाउंड वाला काम भी पूरा हो गया है, अच्छे से सूख गया है। इस पे मैं गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लगाऊंगी, और बोर्ड जो है उसे मैं मेटालिक कॉपर में पेंट करूंगी। तो ये चीज़ें अभी हम करते हैं, फिर बाद में किस तरह का गेटअप हमारे चित्रांगण में आता है वो हम देखेंगे। ये सारे शेप किस तरह से बनाए हैं वो थोड़ा बारीकी से हम देख लेते हैं। परशु है, झंडा है, ओम, अनाज भरा हुआ, ये ट्रेडिशनल बर्तन है, सूरज, चंदा, तारे, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कछुआ, रंगोली, तुलसी, दिया, कलश, समई, मोरपंख, बांसुरी, आईना, मंगलसूत्र, पैरों के आभूषण, कंघी, ये खण है कपड़ा, ढोलक और शहनाई, नारियल, हल्दी कुमकुम वाले, ये जिसे करंडा बोलते हैं, कमल है, चूहा है, केले, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, और उनके साइड में पंखे हैं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, इसलिए उनको हवा देने के लिए पंखे हैं।
जो हाथ से झूलते हैं, दृश्य बाण है। छोटे बच्चे का झूला है, गुड़ी है, त्रिशूल है, गोपद्म, अलग अलग तरह की रंगोलियाँ, पानी में तैरती मछलियाँ, तोरण, महादेव, ये बेल का पत्ता और फूल भी एक चढ़ा दिया है महादेव जी पे। नाग देवता, इसको टाळ बोलते हैं, भजन के वक्त इसको बजाते हैं। स्वस्तिक है, आम है, डमरू है, तो ये सारे इपॉक्सी कंपाउंड में हमारे शेप्स रेडी हो गए हैं। अभी इनको हम गोल्डन कलर में स्प्रे पेंट करेंगे। एक बार इस चित्रांगण को अच्छी तरह से देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि पेंटिंग करते वक्त ये सारा पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसे अच्छे से ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसको स्प्रे पेंटिंग करना एक बहुत ही परफेक्ट तरीका है, क्योंकि इतने छोटे छोटे नाजुक शेप्स के लिए परफेक्ट फिनिशिंग स्प्रे पेंटिंग ही दे सकता है। तो इन शेप्स को अभी हमें बड़ा सा रफ पेपर लेके उन पे खुले खुले अरेंज करना है और इन पे स्प्रे करना है गोल्डन कलर। कोई भी सिंगल कलर में पेंटिंग करना हो, किसी भी सतह पे, प्लेन बेस हो या ऐसे शेप्स हो, तो मैं स्प्रे पेंटिंग ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि स्प्रे पेंटिंग में टाइम भी बहुत कम लगता है और फिनिशिंग भी परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो सारे शेप्स हैं, मैंने कुछ बोला था गिने चुने, मैं बना के बताऊंगी इनका डेमो। तो यहाँ पे ये मेरे पास चाइल्ड क्ले है और इसमें मैं कुछ चीज़ें बना के बताऊंगी, जैसे ये पंछी दाना चुग रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैंने बेस बना लिया था, हाथ से ही बनाया था ओवल शेप, और प्लेन सतह पे इसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया था, जैसे इसका बेस जो है वो एकदम प्लेन आ जाए और बोर्ड पे चिपकाते वक्त इसमें आसानी हो। और इसके ऊपर दो पंछी बनाए थे, अगर ये सिमिलर शेप के हैं तो फिर पोर्शंस भी क्ले वाले एक जैसे ही लेने हैं। सर का हिस्सा और पूंछ का हिस्सा ऐसे। सर का हिस्सा, पेट का हिस्सा थोड़ा सा लंबा है और पूंछ का हिस्सा पतला और थोड़ा सा टेपरिंग बनाया हुआ है। ये आप बना सकोगे आसानी से, कोई बात नहीं।
इसमें से ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स जो है शेप देने के लिए वो ये वाला एक है, और ये मैंने टूटे ब्रश में जो बनाया है यहाँ पे इसको पॉइंटेड बनाया है, और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट एंसिल लगा के ब्लंट बनाया है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये वुडन कार्विंग वाले इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पॉइंटेड भी है, इसे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो है वायर वाला ब्रश जैसा है, इससे हम इस पे जैसे दाने बिछे हुए हैं ज़मीन पे, ऐसा इस पे इफेक्ट लाएंगे। थोड़ा रफ इसमें फिनिशिंग लाना है। और इसके बाद में ये पंछी बनाने हैं। पंछियों के लिए है गर्दन का हिस्सा थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दबा देना है, फिर इसकी चोंच बनानी है छोटी सी, और आँख के लिए यहाँ पे एक होल बना देना है, उसी तरह थोड़े से यहाँ पे भी मार्किंग्स लगाने पड़ेंगे ताकि पूंछ और पेट का हिस्सा अलग से समझ में आ जाए। चाहो तो आप इसके ऊपर फीडर्स वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। और विंग बनाने के लिए यहाँ पे एक खाचा बना लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर भी फीडर वाला थोड़ा सा इफेक्ट दे देना है इस तरह से। और जैसे चोंच हमने निकाली थी उसी तरह से यहाँ पे पैर भी निकालने पड़ेंगे। पैर दो दो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बताया तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें जो दिखाई दे रहा है वो इकट्ठे ही दो है, इस तरह का इफेक्ट है, तो इस तरह से इसको बनाना है और इसके ऊपर आपको सेट करना है। इस तरह से बराबर दो पंछी सेट हो जाए उस हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। जब ये आप इपॉक्सी कंपाउंड में काम करोगे तो ये अपने आप ही चिपक जाएगा। जिस सतह पे आप रखोगे वहां पे थोड़ी सी टैल्कम पाउडर लगा के इसको अलग से रखना है तैयार होने के बाद। जैसे ये वाला भी शेप है सिमिलरली वैसे ही बनाया है कछुए का, यहाँ पे जो पीठ का खुरदुरापन होता है उसके लिए मार्किंग करा हुआ है सेम जैसे यहाँ पे किया है, या तो फिर उंगलियों के निशान, आँख और मुंह वाला शेप, ये सारी चीज़ें आप अपने आप बना पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आसान ही है।
जैसे ये तुलसी का पौधा है उसे भी शेप दे दिया है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है और अंदर में दिया रखा हुआ है, थोड़ा सा डीप है ये, तो ये वाला या तो फिर ये तुलसी के जो पत्ते हैं इनके लिए इस पॉइंटेड एज से मार्किंग करे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे कर पाओगे, लेकिन ज़रूरी बात एक है कि इस चाइल्ड क्ले में पहले आप प्रैक्टिस कर लो और फिर बाद में आपको फाइनल वर्क इपॉक्सी कंपाउंड में करना है। जैसे अभी ये कलश है, तो कलश के लिए हमें पहले नीचे का कलश का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा सा प्लेन सतह पे रख के आपको उसको अच्छे से बेस देना पड़ेगा। अभी बाकी सारा जो है फिनिशिंग वो हम इसको नीचे रख के कर सकते हैं। और इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है उसके लिए या तो ये थोड़ा पॉइंटेड हो रहा होगा तो वुडन कार्विंग वाले जो है उससे भी आप बना सकते हो। बस इस तरह से मार्किंग देके ये डिजाइन बनाया हुआ है। ये डिजाइन आप अपने हिसाब से जैसा भी बना लो, कोई बात नहीं। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके लिए हमें पत्तियों के लिए पतले पतले शेप्स बनाने पड़ेंगे। उससे पहले कलश की गर्दन और ऊपर का जो नारियल है वो बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कलश की गर्दन हो गई, इसमें थोड़ा सा हम छेद बना देंगे ताकि उसमें हम नारियल फिट कर सकें। नारियल के लिए ऊपर में टेपरिंग होगा शेप, बेस में इसको थोड़ा सा फ्लैट ही करना है, एकदम राउंड नहीं करना है क्योंकि इसको हमें फ्लैट सरफेस पे चिपकाना है। तो इस तरह से ये बनेगा। चाहे तो आप इसको नीचे भी पॉइंटेड बना के खाचा जो दिया है उसमें आप फिट कर सकते हो, और इसके ऊपर भी आपको जो नारियल ऊपर से खुरदुरा होता है उस तरह का इफेक्ट इस पे आप मार्किंग्स देके ला सकते हो। तो ये हो गया नारियल। अभी पत्ते बनाते वक्त चाहो तो आप क्ले को अच्छे से बेल लो, ताकि अच्छे से पतले शेप्स आपको पत्ते के बनाने आ जाए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर आप एक एक करके पत्ते ऐसे काट लो।
और फिर बाद में हाथ से थोड़ा सा इसको अच्छे से शेप देके नारियल के इर्द गिर्द आपको इसको लगाना है। अभी इसके ऊपर भी आपको पत्ते के ऊपर जो लाइंस होते हैं उसकी मार्किंग्स बनाने पड़ेंगे इस तरह से। और फिर बाद में जैसे नेचुरली हम इसको फिट करेंगे उस तरह से इसको लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से ये कलश भी पूरा हो जाएगा। अभी ये त्रिशूल जो है इसकी नीचे वाली डंडी देख लीजिए आप, या तो फिर ये डमरू और आगे का हिस्सा है। ये डंडी बनाने के लिए आपको अच्छे से इस क्ले को रोल करना पड़ेगा। एकदम पतला बनाना है और इवन आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे पतला हो गया, यहाँ पे मोटा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इवनली आना चाहिए। लेटरिंग के लिए भी इसी तरह से आपको रोल करना पड़ेगा और फिर बाद में कट करके उसको एक एक करके लेटर्स के शेप्स देने पड़ेंगे। बांसुरी के लिए भी इसी तरह से करना पड़ेगा, या तो फिर ये सरस्वती का चिन्ह है इसके लिए ये छोटे छोटे जो लाइंस या ये डिज़ाइन जो बनाया है इसके लिए भी इसी तरह से रोल करके जो पतली हमने स्ट्रिप बनाई है उसको फिर बाद में इसके ऊपर फिट किया है। इस तरह से लेटरिंग बन जाएगा और इसके लिए जो डंडी मैंने बताई थी वो डंडी बना के उसको अच्छे से सूखने देना है। फिर सूखने के बाद ये ऊपर की सारी चीज़ें इसमें जोड़ देनी है, क्योंकि जब तक ये गीली रहेगी तब तक ये फ्लेक्सिबल रहेगी, तो इसको एकदम स्ट्रेट दिखाई देने के लिए इसको सूखने के बाद ही ऊपर का काम करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे ही ये दिए के लिए भी करना है। ये जो हिस्सा है इसके ऊपर बस ऐसे मार्किंग करा हुआ है एक एक करके, जैसे हमने कलश के लिए किया था, और फिर आगे ज्योति और ये ऊपर का हिस्सा वगैरह सारा भी ये सूखने के बाद में इसको जोड़ा हुआ है। तो थोड़ा सोच समझ के बारीकी से करेंगे तो सारी चीज़ें आप आसानी से बना पाओगे। जैसे अभी ये रिद्धि सिद्धि की फिगर्स है तो उनके लिए आपको एक लंबा सा शेप बनाना पड़ेगा। और फिर इसको जैसे पंछी के लिए हमने सर का हिस्सा, फिर पेट का और पूंछ का, और फिर उसमें से चोंच और पैर निकाले, उसी तरह से इसमें भी सर का हिस्सा,
फिर नीचे का बॉडी का हिस्सा, और फिर पैरों का हिस्सा, इस तरह से करना है। और इसको फिर एक एक करके, यहाँ पे दो पैर हो गए, फिर यहाँ पे दो हाथ हो गए, और बाद में इनको अच्छे से शेप दे देना है। और फिर जैसे आँख और या तो ये कलश वाला डिज़ाइन वगैरह ये बनाए थे, उस तरह से इस फिगर के ऊपर भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके साड़ी का मार्किंग, चूड़ियाँ, हथेलियाँ, ब्लाउज, गले का हार, मुकुट, ये सारी चीज़ें इसी तरह से बनानी है। तो गर्दन और हाथ तो बन गए, अभी इसके ऊपर चूड़ियाँ बना देते हैं। बहुत ही छोटा छोटा काम है, बहुत ही डेलिकेटली करना पड़ेगा। जैसे भी ये पल्लू है साड़ी का, तो इसको इस तरह से बताएंगे। फिर ये साड़ी भी है, साड़ी के लिए भी जिस तरह से पहनी है उस तरह से उस पर मार्किंग लगाने पड़ेंगे। ये 9 यार्ड वाली साड़ी है इसकी, इसलिए उसी तरह से इसको बनाना पड़ेगा। साड़ी की बॉर्डर में भी अगर थोड़ा सा डिज़ाइन की जैसा इफेक्ट लाना है तो वो भी ला सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी फिगर बन जाएगी रिद्धि सिद्धि वाली। और अभी इसे देख लेते हैं, ये वाला। उसको भी हमने पतला बेल लिया था और फिर ट्रायंगल में कट किया था इसको। समझो बेलते वक्त भी आप ट्रायंगुलर शेप में कट करेंगे तो उसको फिनिशिंग बाद में दे सकते हैं। इसको कट करने के बाद में इसमें ऊपर में 5 ट्रायंगल है, फिर नीचे 4, 3, 2 और 1। तो बराबर उसी तरह से कटिंग होनी चाहिए।
पहले इस पे इस तरह से मार्किंग लगाना ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद में ट्रायंगल्स वाला पोर्शन कट कर देते हैं। इसमें फिनिशिंग अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही डेलिकेट काम है ये। अभी यहाँ पे ये वाला हिस्सा कट जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला कट जाएगा। और इस तरफ में भी उसी तरह से करना है जैसे ये कट जाएगा, यहाँ का ये ट्रायंगल, यहाँ का ये ट्रायंगल कट जाएगा और ये कट जाएगा। और फिर बीच में बराबर पैरेलल लाइंस के तौर पे ही बराबर से सारे ही ट्रायंगल्स क्रिएट करने हैं। और जब ये शेप सारा रेडी हो जाएगा तो बाकी का जो है वो पतली बॉर्डर बना के इसके ऊपर सेट करना है, ये वाला डिज़ाइन ऊपर का। उसके लिए भी आप पहले ये वाली डंडियाँ कर लो, फिर बाद में स्लांटेड पैरेलल जो है लेफ्ट में राइट में उनको सेपरेटली कर लो, ये वाले एक जैसे शेप बना लो और फिर बाद में उसे स्टिक कर लो। इस तरह से ये शेप बना हुआ है। और फिर बाद में इसे सेट किया है ऊपर इस तरह से। तो ये सरस्वती वाला चिन्ह भी इसी तरह से पूरा हो जाएगा। और 5 किलो के लिए 5 एक जैसे पोर्शंस हम पहले ले लेते हैं और फिर ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे केले जुड़े हुए हैं उसके लिए एक हिस्सा रख लेते हैं। दोनों तरफ से टेपरिंग शेप बना देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, केले के जैसा, आगे थोड़ा सा ब्लंट है इस तरह से। और फिर इनको थोड़ा सा राउंडेड शेप देके ऊपर में इसका स्टेम वाला थोड़ा पोर्शन भी बना देना है, इसको थोड़ा सा फ्लैट करके इसके अंदर भी इसको फिट करा सकते हैं इस तरह से।
थोड़ा सा इसको राउंडेड बनाना है ताकि ये बराबर से केले जैसा दिखाई दे, इस तरह से। तो ऐसे ये केले भी बन जाएंगे। ऐसी सारी चीजें, सारे शेप्स बनाने हैं। जैसे आम का पत्ता मैंने बना के बताया, उसी तरह से तोरण के लिए भी आम के पत्ते बनाने हैं। और ये ऊपर की जो डंडी है वो लेटरिंग के लिए जैसे बनाई थी, वैसे डंडी बना के उसके ऊपर ये पत्ते फिट करने हैं। मयूर पंख के लिए भी जैसे पहले ये शेप बना दिया, फिर ऊपर से ये सारे मार्किंग्स लगाए हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। तो ये इस तरह से केले भी बन जाएंगे। बस अब ये गौ बताएंगे। गौ का बछड़ा सेम गौ के जैसा ही बनेगा। जैसे पंछी के लिए हमने बनाए थे सारे शेप्स, उसी तरह से इसको भी बनाना है। पहले आप एक ओवल शेप में ऐसे राउंड बना लो, फिर बाद में सर के लिए एक हिस्सा रखना है। पूंछ तो खैर डेलिकेट है, बाद में बन जाएगी। पैरों के लिए चार जगह पे कट्स लगा के पैर तैयार करने हैं ऐसे। तो ये एक पैर बन गया, फिर ये दूसरा वाला बन गया। बीच का हिस्सा निकाल देना पड़ेगा। जैसे नेचुरली गौ का शेप होता है, उसी तरह से इसको शेप देना है। जैसे ये पीठ वाला है हिस्सा, बैक साइड में फिर ये पीठ, और ये थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा, और फिर ये गर्दन मुड़ी हुई है। या तो यहाँ पे ब्रॉड है, नीचे टेपरिंग है, और ये नीचे के भी उसके जो शेप्स है उसको भी ठीक से सोच समझ के बनाना पड़ेगा। प्लेन सतह पे रख के फिर बाद में एक एक करके शेप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे सींग निकालने पड़ेंगे, कान चाहो तो आप अलग से चिपका सकते हो। सींग में भी शेप देना है, मुंह का शेप भी देते वक्त मार्किंग लगानी है। बराबर गर्दन इसकी बछड़े की तरफ मुड़ गई है, ऐसा इसको बताना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बराबर से सारा काम करना पड़ेगा। जैसे ये पैर पीछे वाला है तो ये पीछे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे इसको बराबर से मार्किंग करके आपको करना पड़ेगा।
इस तरह से पैर भी बनाए जा सकते हैं। गले का हार जो है, घंटी और गले का हार, इसको अलग से चिपका दिया है। उसके स्तन भी इस तरह से बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे शेप्स बन जाएंगे और फिर बाद में इनको स्प्रे पेंटिंग करना पड़ेगा। तो ये गौ भी हमारी बन गई है। जैसे गौ बनाई है उसी तरह से ये बछड़ा भी बनेगा। बछड़े की सिर्फ गर्दन ऊपर रहेगी और इसको पीछे की तरफ से आपको प्लेन सतह रखनी पड़ेगी क्योंकि इसको आपको बोर्ड पे चिपकाना है। तो इस तरह से ये गौ भी हो गई। ये बाकी भी सारे शेप मेरे रेडी है। अभी बस इनको बोर्ड पे चिपकाना बाकी है और इसके ऊपर हम इपॉक्सी रेजिन का भी एप्लीकेशन दे देंगे। तो थोड़ा सा ही काम बचा है, बहुत सारा हो चुका है। देखते हैं आगे जाके हमारा चैत्रांगण किस तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कलरिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने बोला था, बैकग्राउंड में हम कॉपर कलर दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपर कलर बोर्ड के बीच वाला जो हिस्सा है उस पे मैं लगा रही हूँ। ये एक्रिलिक कलर है। तो यहाँ पे ये मरून कलर देके या कॉपर कलर देके बैकग्राउंड मैंने पूरी तैयार कर दी है। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रश के स्ट्रोक्स देके टेक्सचर इफेक्ट दिया है। अभी हमें यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर करनी है। इस बॉर्डर में हमने 3D इफेक्ट में काम किया हुआ है टेक्सचर वाइट में। तो इसको हाईलाइट करने के हिसाब से इसके ऊपर हम वाटर कलर टेक्निक जैसा, यहाँ पे जो मैंने सैम्पल पोर्शन किया हुआ है उस तरह का पेंटिंग करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कलर लगा देंगे। और जब तक ये कलर गीला है तभी तक इसके इर्द गिर्द हम साफ पानी लगा के इसमें वाटर टेक्निक जैसा, वाटर कलर्स के जैसा इफेक्ट लाएंगे। जब ये कलर्स सेटल हो जाएंगे तो डिज़ाइन का 3D इफेक्ट बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर पूरी हो जाएगी। इस बॉर्डर को मैंने पर्पसली कलरफुल बनाया है ताकि इसमें वसंत ऋतु का आभास हो जाए। एक सिंबॉलिक तौर पे मैंने इसको कलरफुल बनाना है और बीच में यहाँ पे जो मरून कलर है इसके ऊपर हमारे गोल्डन कलर के जो चैत्रांगण वाले शेप्स है उन्हें हम चिपका देंगे। सारे शेप्स चिपकाने के बाद में चैत्रांगण बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी बस इस पे इपॉक्सी रेजिन लगाना बाकी है। तो यहाँ पे फाइनली ये अपना चैत्रांगण पूरा हो चुका है और इसमें मैंने इपॉक्सी रेजिन भी लगा दिया है। और इपॉक्सी रेजिन लगाने के बाद ये ठीक तरह से सूख भी गया है। अभी इसको हम
अपने आंगन में या अपने डाइनिंग टेबल पे या फ्रेम के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो इपॉक्सी रेजिन मैंने डाला था वो रेजिन बेस ये है और ये हार्डनर है। इसको 3:1 प्रोपोर्शन में मिक्स करना पड़ता है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फैलाना पड़ता है जिस भी सतह पे आप इसको अप्लाई करना चाहो, और फिर बाद में इसको 24 से 72 घंटों तक इसको सूखने देना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस रेजिन और हार्डनर के साथ में लिखी रहती है बॉटल पे। ये बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है और इससे आपकी जो चीज़ है, जो जिस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो, वो वाटरप्रूफ एक तरह से हो जाती है और उसमें फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आ जाता है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये चैत्रांगण जो है इसमें जो हमने शेप्स सारे बनाए हैं उसके सब की डेमोन्स्ट्रेशंस मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई हूँ क्योंकि बहुत ही वीडियो लेंदी हो जाता। आप कमेंट्स में लिखिए, आपको कोई भी शेप अगर अलग से कुछ बताना है तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ, आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।